हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नील क्रिएशंस। आज मैं आपके लिए ये सिंगल कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो दिखने में बहुत ही प्यारा और बनाने में बहुत ही आसान है। इसे कोई भी बिगनर्स भी ट्राई कर सकते हैं। ये जेंट्स स्वेटर में बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए, ये 3D लुक वाला डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। इसके लिए आप 4 के मल्टीपल फंदे डाल सकते हो और 2 फंदे एक्स्ट्रा। और इस तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ इसे। पहली रो यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे, वही आपको यहाँ से स्टार्ट करना सिखा रही हूँ मैं फ्रेंड्स। पहले हम पहला फंदा तो ऐसे ही बुन लेंगे पीछे धागा करके, फिर 3 फंदे ऐसे सीधे उतार लेंगे बिना बुने। 3 फंदे उतारने के बाद चौथा फंदा बुन लेंगे पीछे धागा करके, फिर आगे धागा करके 3 फंदे ऐसे ही उतार लेंगे। सारी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। 3 फंदे ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे, चौथे को बुन लेंगे पीछे धागा करके, फिर 3 उतार लेंगे एक पीछे धागा करके। सारी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। पीछे की सारी रोज़ इस डिज़ाइन की पीछे की सारी रोज़ सीधी ही आएंगी, सारी रो उल्टी ही होगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आगे धागा करके बुनेंगे सारी रो, ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। मैं ये बुन लेती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने इस डिज़ाइन की सेकंड लाइन पूरी कर ली है। अब हम थर्ड लाइन पे आ गए हैं। थर्ड लाइन बिल्कुल सेम ही है फर्स्ट के जैसे। आपको एक बार स्टार्ट करना बता देती हूँ। पहला बुन के 3 फंदे ऐसे ही उतार लेंगे, फिर एक बुन लेंगे सीधा, 3 ऐसे ही उतार लेंगे, फिर एक बुन लेंगे, 3 ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। ऐसा करते हुए हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड्स। इसकी फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ लाइंस बिल्कुल सेम है, और फिफ्थ लाइन में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं आपको बता दूंगी फ्रेंड्स। सिक्स्थ लाइन में भी हम सारा उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। इसके उल्टी साइड से लाइन में फोर्थ रो जो है सारी उल्टी बुन के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फिफ्थ लाइन पे आ गई हूँ मैं। फोर्थ सारी कंप्लीट कर ली है, आगे धागा करके बुन ली है। अब ये हमारी फिफ्थ लाइन है फ्रेंड्स। फिफ्थ लाइन में हम पहले फंदा तो जैसे सीधा बुन रहे हैं वैसे ही बुनेंगे, फिर उसके बाद जो फंदे 3 ऐसे ही उतार रहे थे उसका फर्स्ट फंदा बुन लिया, और सेकंड वाले पे बीच के फंदों में से ऐसे जाएंगे, ऐसे जाके फंदा बुन के बीच से ही निकाल लाएंगे। फिर 3 फंदे बुन लेंगे दूसरे डिज़ाइन का, फर्स्ट फंदा बुन लेंगे हम जो ऐसे ही उतारे थे, फिर ये 2 फंदे जो सीधा धागा गया है इस पर उसे ऐसे बुन के नीचे से निकाल लेना है फ्रेंड्स। ऐसे ही 3 फंदे बुन के चौथे में से ये डिज़ाइन ऐसे जाएगा सारी रो। बस इतना ही है। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी आसानी से बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनता है ये, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे करके ऐसे बुन लेंगे, सारी सिलाई ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। जैसे एक बार और बता दूं, ये 2 फंदे जो हमने उतारे थे बिना ऊपर से लेके गए थे ये स्टिचेस, इसको ऐसे डाल के ऐसे बुन के इसके बीच से ऐसे निकालना है बस। नेक्स्ट सिलाई मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये सारी उल्टी सिलाई कोई भी है इस डिज़ाइन में, सारी उल्टी सिलाइयाँ उल्टी ही जाएंगी, कोई चेंजेस नहीं है इनमें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये एक और डिज़ाइन बन के आ गया है, जैसे नीचे वाला आ रहा था। आपको इसकी एक और सिलाई डाल के बता देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे हमने ये एक बुन के 3 फंदे ऐसे ही उतारे थे, अब जो हमारा ये वाला 5वां फंदा है, अब इस फंदे के 2 साइड वाले, इन दोनों को हम बिना बुने उतारेंगे। जो
ये बीच से निकाल के बुनाया था, इस फंदे को अकेले को हम बुन लेंगे। पहले तो दो फंदे हम इसलिए बुनेंगे क्योंकि इस पे डिज़ाइन पूरा नहीं आएगा सेट हमारा। ये वाला जो बीच निकाले थे वो फंदा बुन के साइड्स तीन फंदे बुन लेंगे, चौथे को बुन लेंगे, सॉरी तीन फंदे ऐसे ही उतार लेंगे, चौथे को बुन लेंगे ये ऐसे। फ्रेंड्स ऐसे करके हम ये हमारी चारों लाइंस कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ वाली में फिर से ट्विस्ट थोड़ा सा जो है डिज़ाइन वाला चेंज आएगा वो वाला डाल लेंगे हम। ये तीनों फंदे बुन लेंगे। मैं आपको अब इस डिज़ाइन की पांचवी सिलाई दिखा रही हूँ। ये सिलाइयाँ स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये डिज़ाइन ये वाली सिलाइयाँ बहुत ही आसान है, तो मैं आपको फिफ्थ वाली सिलाई दोबारा से रिपीट करूँगी। देखिए हमारी ये हम पांचवी सिलाई पे आ गए हैं। इस सिलाई पे हम वैसे ही ये तीन फंदे तो पहले भी बुन रहे थे, तीन के साथ जो स्किप कर रहे थे फंदे उसका पहला फंदा बुन लेंगे, दूसरे में नीचे से ऐसे डाल के सिलाई ऐसे बुन लेंगे हम। फिर तीन फंदे बुन लेंगे, दो तीन, फिर नीचे से ऐसे डाल के ऐसे करके फिर तीन बुन लेंगे। फ्रेंड्स बस ऐसे ही करके हम ये सारा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है आपने तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। फ्रेंड्स ऐसे करके ये पूरा कर लेंगे हम। ये देखिए बस ये छः सिलाइयों का डिज़ाइन है, पीछे की सारी सिलाई उल्टी ही जाएगी, सारी डिज़ाइन में ही उल्टी जाएगी सारी सिलाइयाँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स थैंक यू।